अररिया में शव दफनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते लोगों ने जमकर बवाल काटा। मामला आरएस ओपी थाना क्षेत्र के मोमिन टोला का है, जहां एक पक्ष सरकारी जमीन पर शव दफनाने जा रहा था, तो वहीं दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। सूचना मिलने पर अररिया एसपी धूरत शायली, अररिया और फारबिसगंज एसडीपीओ कई थानों के पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, और जिसके बाद लोगों को शांत करवा कर शव को दूसरे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कब्रिस्तान के लिए जमीन का घेराबंदी होकर रुका हुआ था, जिसमें कि कुछ लोग का कहना है कि हमको जमीन आवंटित की गई थी, उसी में लोग कब्र गाड़ना चाह रहे थे, जिसको लेके कंफ्यूजन था कुछ। तो हम लोग उसको कहे हैं कि इसका जो भी है धारा पहले 44 लागू थी उस जमीन पर, और अभी फिर उसका विवाद सलटा नहीं है, चूंकि सरकारी खर्च से उसका घेराबंदी भी रुका हुआ है। तो इसीलिए हम लोग कहे कि जब तक विवाद सलट नहीं जाता है, तब तक दूसरे जगह ही करें, और कल से हम लोग उस विवाद को भी निपटारा करने प्रयास करेंगे, सभी पक्षों को बुला लेंगे। हम जमीन किसका है कुछ पता चला? जमीन तो बिहार सरकार की है, उसको बंदोबस्त किया गया था, लेकिन अब उसका जो डिस्प्यूट है सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास भी नहीं है कि हम बता सकते हैं, लेकिन कल उसका डॉक्यूमेंट हम लोग निकालेंगे। ऐसे में जाके टेंडर होना सरकारी? हाँ, तो इसीलिए ना रुका, इसीलिए विवाद इसीलिए था कि क्यों रुका, कहाँ से रुका। ये एसडीओ साहब के यहाँ सारी फाइल है, तो वो आज संडे की वजह से नहीं निकल सके, तो कल निकलेगी तो सब बात हम लोग देख लेंगे। वहीं अररिया एसडीपीओ के डी सिंह ने बताया कि गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मामले को शांत करा दिया गया। अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट।